आज की इस वीडियो में हम आपको अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम में बुकरम पट्टी फिनिशिंग के साथ अटैच करना सिखाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हमने अम्ब्रेला कट लहंगा कट करके रखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने दो लेयर में फोल्ड करके रखा है। इस साइड से हमारी फोल्डेड साइड है और दूसरे साइड से ओपन वाली साइड है। ये हमने बुकरम पट्टी ली है, ऐसी बुकरम पट्टी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये बिना पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी है, आपको पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी भी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। जो पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी होती है वो एक साइड से कपड़े पर प्रेस करने से पेस्ट हो जाती है, और ये वाली बुकरम पट्टी है जो बिना पेस्टिंग वाली है इसको आपको कपड़े के ऊपर स्टिच करना होगा। तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड करके लिया है हमने बुकरम पट्टी को भी, और इस साइड से ये बंद वाली साइड है, लहंगे की भी हमारी इस साइड से ये बंद वाली साइड है। अब बुकरम पट्टी को हम लहंगे के नीचे इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। तो बुकरम पट्टी का जो फोल्डेड साइड है उसको हमने लहंगे के फोल्डेड साइड की तरफ रखा है, और इस साइड से हम दोनों को बराबर से मिला के रखेंगे। लहंगे के नीचे हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे, और यहाँ से लहंगे की सलवटें भी हम निकाल देते हैं। इस साइड से हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे, और बुकरम पट्टी का जो अनइवन पार्ट है उसे हमने नीचे की तरफ निकाल दिया है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो अम्ब्रेला कट लहंगा जो होता है वो नीचे से कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता है। तो इस कर्व्ड लहंगे पर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब बुकरम पट्टी को हम निकाल लेते हैं। अब बुकरम पट्टी पर जो हमने निशान लगाया है यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। अम्ब्रेला कट लहंगा बॉटम से कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, इसलिए हम बुकरम पट्टी भी कर्व्ड ही कट करेंगे। अगर हम बुकरम पट्टी सीधी कट कर लेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं होगी, और जगह जगह हमें बुकरम पट्टी में प्लीट्स डालनी होंगी जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं होगी। तो देखिए हमने बॉटम साइड से हमने इसे कट कर लिया है एक साइड से बुकरम पट्टी को। अब यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी चौड़ी भी आप बुकरम पट्टी लहंगे पर अटैच करना चाहते हैं उतनी चौड़ाई में आप निशान लगा लीजिए। तो हम 3 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी अटैच कर रहे हैं, तो 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बुकरम पट्टी अटैच करना सिखा रहे हैं। इसमें आपको कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हमने जो लाइन ड्रॉ करी है यहां से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने एक पट्टी कट कर ली है, तो ये डबल फोल्ड है, खोलकर हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने कर्व्ड बुकरम पट्टी कट कर ली है। तो इसे हम लहंगे पर इस तरह से स्टिच करेंगे तो बिल्कुल लहंगे के बॉटम में जैसे कर्व्ड एरिया है वैसे ही हमने इसे कट कर लिया है, तो ये फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगी। अब ऐसे ही हम और पट्टियां कट कर लेते हैं। तो इसी को हम बराबर से सेट करके रखेंगे, और इसके बराबर से निशान लगा के हम इसमें से 3 पट्टियां और निकाल लेते हैं। तो जितनी भी आपके लहंगे की बॉटम का घेरा हो उसकी लेंथ आप मेजर कर लीजिए, और उतनी लंबी आप बुकरम पट्टी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से हम 4 पीस इसमें से निकालेंगे और उनको हम सिलाई लगाकर बाद में जोड़ लगा लेंगे। बुकरम पट्टियों पर जोड़ लगाकर किस तरह से स्टिच करना है ये भी हम आपको आगे बता देंगे। तो देखिए हमने 4 पीस कट कर लिए हैं, ये हमने डबल फोल्ड करके रखे हैं। तब देख सकते हैं इस तरह से हमने ये कर्व बुकरम पट्टियां कट कर ली हैं। अब साइड से जो बुकरम पट्टियां हैं यहाँ से ही इनका तिरछा पार्ट है, तो इसको हम सीधा कट कर लेंगे। 2 बुकरम पट्टी लेंगे हम, इस तरह से कॉर्नर से इनको ओवरलैप करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे, और इस पर यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो ये बराबर से कट हो जाएंगी दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट था तिरछा पार्ट वो हमने कट कर दिया है। ऐसे ही हम सारी बुकरम पट्टियों को कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस पर निशान लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। जब हम इसे जोड़ लगाएंगे तो इन्हीं 2 पार्ट को हम यहाँ से जोड़ लगाएंगे।
ये हमने चारों बुकरम पट्टियां कट कर ली है। अब हम इसे अस्तर वाले कपड़े पर सेट करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसे सेट करके रखा है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से आपको इसे रखना है। तो इसको हमने पिनअप कर लिया है, बीच में हमने 1 से 1.5 इंच का गैप रखा है इसमें, और इस पर पिन लगाकर इनको हमने सेट कर लिया है। ये हमारा कॉटन का अस्तर का कपड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है बुकरम पट्टी का, ये लहंगे के ऊपर की तरफ आएगा और ये लहंगे के घेरे की तरफ आएगा। यहाँ से घेरे की तरफ से हम इसे लहंगे के साथ में स्टिच करेंगे। तो इस साइड हम लगभग 1/2 इंच कपड़ा ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से बुकरम पट्टी से नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच कपड़ा ही रखना है और बिल्कुल इसे पूरे घेरे में बराबर से कट करना है। कहीं से कम कहीं से ज्यादा इस तरह से कट नहीं करना है। इस साइड से आप जितना भी रख सकते हैं, 1/2 इंच से 1/4 इंच तक आप इसे रख सकते हैं। इधर से अनइवन होगा कपड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसे इवनली कट कर लेंगे। अब देखिए दूसरी पट्टी है यहाँ पर, तो इसमें ये ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा, वो चल जाएगा। लेकिन ये हमारा घेरे वाला पार्ट रहेगा, इस साइड से ये लहंगे के घेरे के साथ में स्टिच होगी पट्टी। तो यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे बुकरम पट्टी से। सारी पट्टियों में हमें इसी तरह से कट करना है। जो घेरे वाला पार्ट है जहां से लहंगे के घेरे के साथ में ये स्टिच होगी, वहां पर हमें 1/2 इंच कपड़ा ही रखना है। देखिए इसमें भी हम 1/2 इंच कपड़ा ही एक्स्ट्रा रखेंगे, कट कर लेते हैं। चारों बुकरम पट्टियों को हम पूरा कट कर लेते हैं इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये बुकरम पट्टियां यहाँ से लहंगे के साथ में स्टिच होंगी। तो सभी में हमने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखा है यहाँ पर। ये हमने चारों बुकरम पट्टियों को पूरा कट कर लिया है, कपड़े से अलग कर लिया है काट कर। अगर हम पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी यूज करते तो उसको हम ऐसे ही रखकर इसके ऊपर प्रेस कर लेते तो वो कपड़े के साथ में चिपक जाती और अच्छी तरह से सेट हो जाती। लेकिन ये पेस्टिंग वाली नहीं है तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम पट्टी के ऊपर हमें बिल्कुल किनारे से पास से होते हुए इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि बुकरम पट्टी कपड़े के साथ में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी के ऊपर लगानी है बिल्कुल किनारे से होते हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगाकर हम चारों पट्टियां तैयार कर लेते हैं। ये हमने चारों बुकरम पट्टियों पर सिलाई लगा ली है। अब हम इन पर जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जैसे हमें इस पर स्टिच लगानी है, यहाँ पर तो हमने निशान लगाया था पहले, तो यहीं से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और दोनों साइड हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। देखिए यहाँ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और यहाँ पर भी 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। तो इसको हम बराबर से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई आपको सिर्फ कपड़े पर लगानी है, बुकरम पट्टी पर सिलाई नहीं लगानी है। तो बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए कपड़े पर हमें सिलाई लगानी है। इसे हम बराबर से सेट करके पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं हमने कपड़े पर सिलाई लगाई है, बुकरम पट्टी पर सिलाई नहीं लगाई है। अब ये जो सिलाई लगाई है इस कपड़े को हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से कपड़े के किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि ये सिलाई यहाँ से अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इसी तरह से हमें सारी बुकरम पट्टियों पर जोड़ लगाना है। ये हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने दो बुकरम पट्टियों को स्टिच कर लिया है।
हमने सारी बुकरम पट्टियों पर सिलाई लगाकर एक पट्टी तैयार कर ली है। तो लहंगे के घेरे के बराबर हमने ये बुकरम पट्टी बनाकर तैयार करी है। अब हम इसे लहंगे के साथ में स्टिच करेंगे। देखिए, इस साइड से लहंगे का ओपन वाला पार्ट है, ये रॉन्ग साइड अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ ये हमारा राइट साइड है। तो राइट साइड की तरफ हमें बुकरम पट्टी को इस तरह से रखना है। तो देखिए, बुकरम पट्टी का जो घेरे वाला पार्ट है, जिस तरफ हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उस साइड को हमें लहंगे के साथ में इस तरह से बराबर से सेट करके रखना है। इसका आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े पर ही सिलाई लगानी है, बुकरम पट्टी के बिल्कुल पास से होते हुए। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे बैक साइड में इस तरह से टर्न कर देंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं बुकरम पट्टी पर। तो देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं, इसको बुकरम पट्टी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो यहाँ से कपड़ा कर्व है, तो इस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ कपड़े पर कट्स लगाने हैं, बुकरम पट्टी पर कट्स नहीं लगाने हैं। तो इस तरह से कट्स लगाएंगे और इसे बुकरम पट्टी पर इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरी पट्टी के ऊपर एक साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने कट्स लगाए थे जिससे कि बहुत ही आसानी से ये कपड़ा फोल्ड हो जाता है बुकरम पट्टी पर। अब हम इसे लहंगे के साथ में स्टिच करेंगे। तो इस साइड से ये ओपन वाला साइड है और राइट साइड हमारा ऊपर की तरफ है लहंगे का। यहाँ से हम बुकरम पट्टी को रखेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल बुकरम पट्टी के पास से होते हुए हमें सिलाई लगानी है। बुकरम पट्टी के ऊपर अगर आप सिलाई लगाएंगे तो ये फिनिशिंग के साथ में बैक साइड में टर्न नहीं होगा, तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। तो सिलाई बहुत ही आराम से लगानी है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये एरिया कर्व्ड होता है लहंगे का। तो लहंगे के कपड़े को आपको खींचना नहीं है और बुकरम पट्टी को भी खींचना नहीं है। देखिए, यहाँ से बिल्कुल बुकरम पट्टी के पास से होते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पूरे घेरे में बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है और इसको हमने बैक साइड में टर्न कर दिया है। और यहाँ से बैक साइड में टर्न करके हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने से ये पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और इस पर हम जब सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ तो फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाएगी। तो पूरे घेरे में हम ऐसे ही इस पर प्रेस कर लेते हैं। ये हमने पट्टी को बैक साइड में टर्न करके इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लिया, जैसे कि अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो बुकरम पट्टी के बिल्कुल किनारे से होती हुई हमें ये सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए, आपको कपड़े को खींचना नहीं है, बुकरम पट्टी के बिल्कुल बराबर से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से बुकरम पट्टी कट करके उसको तैयार करके अगर आप अम्ब्रेला कट लहंगे के बॉटम में स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग के साथ में ये स्टिच होगी। इसमें कहीं पर भी आपको
प्लीट्स डालने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कपड़े में झोल नहीं आएगा और ना ही बुकरम पट्टी पर कहीं भी आपको प्लीट्स डालनी होगी। तब देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये बुकरम पट्टी स्टिच हो रही है। ये हमने पूरे घेरे में बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है और बैक साइड से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये स्टिच हो गई है। जैसे हम मार्केट से अम्ब्रेला कट लहंगा खरीदते हैं, उससे भी ज्यादा फिनिशिंग के साथ में हमने ये बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है। राइट साइड से भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी कपड़े में प्लीट्स या फिर चुन्नट नहीं आई है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में भी राइट साइड से हमने बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।